Assalamu alaikum and good morning to everyone who's watching this video right now. Aaj we are going out to get some groceries. तो मैं आप लोगों को आज थर्सडे है थर्सडे का हाल दिखाऊंगा कि यहाँ पर मार्केट्स में और सुपर स्टोर्स में और मॉल्स के अंदर जहाँ पे हम लोग जा रहे होंगे वहाँ पे कितना रश है. मैंने ये नोट किया है जब से एक्सपो स्टार्ट हुआ है और कोविड की गाइडलाइंस थोड़ी सी इन्होंने रिलैक्सेशन दी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने, तो काफ़ी ज़्यादा रश होना शुरू हो गया है रोडों पर, मॉल में, दुकानों पर, हर जगह रश हो रहा है. तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं रश से दूर ही रहूँ, नॉट बिकॉज कि मुझे कोविड का कुछ है कि यार वो कहीं से लग जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, लेकिन आई जस्ट डोंट रियली लाइक क्राउड्स. तो खैर हम जाएंगे, हम सामान लेंगे घर के लिए और उसके अलावा आई विल ऑल्सो होपफुली सैमसंग का ऑफिस मिल जाएगा तो हम लोग जाएंगे, घड़ी दिखाएंगे, चार्जर दिखाएंगे और मालूम करेंगे कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है आखिर. बाकी माई डॉक्यूमेंट्स आर ऑन देयर वे फॉर द अटेस्टेशन, अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा. तो लाइफ इज सॉर्टेड. आपका दिन कैसा गुजर रहा है? मैं अपनी चाय पीऊंगा फिर उसके बाद आई विल गेट बैक टू पेंटिंग एंड देन सी यू इन अ बिट. आज नाश्ता करने के बाद दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है मेरा. मैंने पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स आई हुई हैं मार्केट के अंदर तो अप्लाई किया है, फिंगर्स क्रॉस. फिर उसके अलावा अब जो है शाम हो चुकी है, कवल इज ऑन द वे. हम लोगों को कारफोर जाना है कुछ घर का सामान लेने के लिए, इब्न बतूता वाले कारफोर जाएंगे. तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि रोड पे, मॉल में और कारफोर में कितना रश है. क्योंकि अब मैंने ये नोट किया कि दुबई में बहुत ज़्यादा एक्सपो स्टार्ट होने के बाद भी, और फिर ICC वर्ल्ड कप भी है अभी, उससे पहले भी मैचेस वगैरह चल रहे हैं कुछ, और टूरिज्म ऑन हुआ है वापस, कोविड गाइडलाइंस के अंदर थोड़ी इन्होंने नरमी दिखाई है. अब तो इस हवाले से आई थिंक कि काफ़ी सारे लोग अब घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, टूरिज्म भी बहुत बढ़ गया है तो रश भी हर जगह भरपूर है. होपफुली मुझे ज़्यादा रश नहीं मिलेगा वहाँ पर और हमारा काम आसानी से हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा. बस नाउ आई एम वेटिंग फॉर कवल टू पिक मी अप. वो आज मैंने अपने इस प्लांट को बाहर धूप लगाने के लिए छोड़ दिया था, धूप लग गई है, इट्स टाइम टू गो इनसाइड. कवल आ चुकी है, इंतजार कर रही है, शी थिंक्स कि मैं लिफ्ट से आ रहा हूँ लेकिन ये देख लिया. अस्सलाम वालेकुम, ये लीजिए. थैंक यू. नॉट योरसेल्फ. ये अभी भी देखो कितना रश है इस लेन में से उस लेन में, इस लेन में से उस लेन में, इवन यहाँ से थर्ड लेन में भी घुस जाएंगे. मैंने कहा मतलब क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है, आगे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है भाई. तुमने डाटा किसी को? नहीं मैंने. हाँ बगैर इंडिकेटर के जो आते है ना उन पर बड़ा गुस्सा आता है मुझे. मतलब एक्सीडेंट आगे हुआ हुआ है, गाड़ियां रुकी हुई हैं और उसमें भी बगैर इंडिकेटर के बीच में घुस गया. इंडिकेटर देना इज अ मस्ट. मतलब पता कैसे चलेगा कि भाई तुम घुस रहे हो? अगर मैंने स्पीडिंग कर दी होती तो क्या करते, लग जाती ना गाड़ी. वो तो मैं स्पीड में चलाती नहीं हूँ. तो मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ जैसे मैंने आप लोगों को बोला था. ये वैसे ऑफिस का टाइम है, ऑफिस की छुट्टी का टाइम है तो ऐसा यूजुअली रश होता ही है, लेकिन उस नॉर्मल रश के अलावा भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा आज, क्योंकि आज वीकेंड स्टार्ट हो गया है. थर्सडे नाइट है आज यहाँ पे, थर्सडे इवनिंग है इस वक्त, तो वीकेंड स्टार्ट हो चुका है. तो लोग अब बार है, बार. इधर बार है, मैं तो जनरल रोड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको रश मिलेगा. चले अब मैं आपको रोड दिखाता हूँ. से बहुत रश मिलना था लेकिन मेरी कच्ची हो गई है, हमें रास्ते में रश मिला नहीं बिल्कुल भी, बस पार्किंग भरी हुई है यहाँ पे, तो पार्किंग के लिए थोड़ा घूमना पड़ा, विच इज़ ओके. वो तो कभी भी आप आए यहाँ पे जब रोड पे ट्रैफिक इतना नहीं होता तब भी रश होता ही है पार्किंग के अंदर.
बट आई एम थिंकिंग कि ये हुआ क्या है आज थर्सडे आफ्टर ऑफिस आवर्स एंड नो ट्रैफिक ऑन द रोड वियर्ड। सैमसंग स्टोर से घड़ी तो चेक करवा ली मैंने, यहाँ पर रिपेयर का कुछ है नहीं सेटअप, दे आर आस्किंग मी टू गो टू मॉल ऑफ द एमिरेट्स। आई थिंक माय चार्जर हैज डाइड, तो मॉल ऑफ द एमिरेट्स जाना पड़ेगा जब भी मैं जाऊँगा, नॉट टुडे, और जाकर चार्जर चेक करवाना पड़ेगा। आज इस वाले मॉल में भी इस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं है, आज मेरी डबल कच्ची हो रही है बार बार हर जगह पर। मेरे ख्याल से अभी थर्सडे स्टार्ट हुआ है, आई मीन वीकेंड स्टार्ट हुआ है, आराम करेंगे। मुझे लगता था कि लोग ऑफिस के फौरन बाद पार्टी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सामान लेना था तो हम आए हैं। यस, तो अभी हम वॉक कर रहे हैं, अपनी कुछ कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम सामान लेंगे और फिर रफू चक्कर हो जाएंगे यहाँ से, इससे पहले कि रश एक्चुअली हो जाए। इब्न बतूता मॉल में इस वक्त फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगा हुआ है, लेट्स गो चेक इट आउट। क्या है फोटोग्राफी में यहाँ पे खास? ओके, इसमें क्या खास है भाई? ओके चलो ठीक है, मान लिया ये पिक्चर है। कंवल कैसी लगी पिक्चर्स? भी अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं था, मुझे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लगी, जैसे वो रोड वाली पिक्चर थी वो बहुत अच्छी थी। कॉमन पिक्चर्स भी लगी हुई थी, कॉमन पिक्चर्स भी लगी, आप रैंडम नॉर्मली मतलब कोई भी ले सकता है। अब पिक्चर्स इतनी एक्साइट करती नहीं है एग्जीबिशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, अंटिल एंड लेस कुछ बहुत ही कोई धमाकेदार काम हुआ वो, क्योंकि इंस्टाग्राम की वजह से ना इतनी ऑलरेडी एग्जीबिशन वाली नहीं थी, लेकिन चले गुड, बेस्ट ऑफ लक टू द पीपल जिन लोगों ने अपना काम यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाया हुआ है। दोबारा स्कैन करें। हेलो, आज चली नीरा लगता है। आता ही नहीं है कुछ, सामा कुछ नहीं आता आपको? निकल गया, आ गया। ये हमारी गन है जिसके थ्रू हम फायर करेंगे। लेट्स गो फायर करते हैं। यार बहुत रश है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि आज बहुत रश होगा, जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो रश नहीं था, अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? 8:26 हो रहे हैं, तो अब रश होना अच्छा खासा शुरू हो गया। कारफोर के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अच्छे टाइम पर आ गए थे और अच्छे टाइम पर जा रहे हैं। ये सब सामान है भाई। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, इस तरह दिन हमारा तमाम होता है। अब वक्त है सामान को उसके ठिकाने लगाने का और इस वीडियो को ख़त्म करने का। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, इन्जॉय योर वीकेंड जब आप लोगों के पास शुरू हो, आई एम गोना एन्जॉय माई वीकेंड क्योंकि यहाँ स्टार्ट हो चुका है। दिस इज उसामा सिद्दीकी एंड दैट्स हाउ आई डू माई थिंग।